हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो ज़िंदगी में जब कुछ समझ नहीं आता ना, या जब बाहर बारिश हो रही होती है या अंदर बारिश हो रही होती है, मन जो है वो परेशान होता है, तो एक काम करना चाहिए, चीज़ खा लेनी चाहिए। चीज़ जो है ना, बड़े कमाल की चीज़ बनाई है, तो इस कमाल की चीज़ के साथ चीज़ी पास्ता बनाने के लिए हो जाइए तैयार। ठीक है, मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार। तो जो बेसिक मुद्दा है, वो बेसिक मुद्दा ये है कि आप हमेशा कहते हैं कि रणवीर सिंपल रेसिपी बनाओ, सिंपल पास्ता बताओ, ये वो दम का पास्ता, मसाला पास्ता, ये पास्ता, पास्ता की बिरयानी। वैसे तो मैं बनाता नहीं है सब, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिंपल रेसिपी बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। बेसिक वाइट सॉस बनाना सीख जाएंगे आप उसके एंड में, और उसके बाद चीज़ सॉस कैसे बनाते हैं, तमाम सॉसेज जो उसके ज़रिए बनते हैं, मशरूम सॉस, ये सॉस, वो सॉस, सब आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वाइट सॉस से ही शुरू करते हैं। जो रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात है वो है 1:1:10, यानी कि 1 बटर 1 मैदा और 10 दूध। अगर आप दूध से एलर्जिक हैं, बटर से एलर्जिक हैं, तो आप बटर को तेल से रिप्लेस कर सकते हैं, और दूध को आमंड मिल्क, ओट मिल्क, या सिंपल स्टॉक या पानी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वाइट सॉस में जब आप बटर डालेंगे तो ध्यान ये रखना है कि बटर और मैदे का हलवा नहीं बनाना। हलवा नहीं बनाना इसका मतलब ये नहीं कि भूनना भी नहीं कुछ, धीरे धीरे से बटर में फ्लार को चलाना, इतना चलाना कि वो जो कच्चे मैदे की स्मेल है ना वो चली जाए। बस देखिए अभी भी क्रीमी है। जब ऐसे हल्का सा मैदा जो है ना वो फटने लगे, देखिए बटर में झाग आ रही है, कलर चेंज लग रहा है कि होने वाला है, तो तुरंत के तुरंत धीरे धीरे दूध डालना है। धीरे धीरे क्यों? ताकि लंप्स ना पड़े। यहाँ पर अगर दूध सही से खप गया तो फिर उसके बाद गांठे नहीं पड़ेंगे। ये जो वाइट सॉस आप बना रहे हैं इसके अंदर आप लौंग डाल सकते हैं, जब उबाल रहे हैं इसको धीरे 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 धीरे, तो लौंग डाल सकते हैं, लौंग से फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्याज को 1/2 करके उसके अंदर लौंग गाड़ गाड़ के और धीरे धीरे उबालते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध को फ्लेवर देंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन फ्लेवर सटल होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग फ्लेवर नहीं देना, बिकॉज वाइट सॉस जो है वो बेस है, उस बेस से बहुत सारे सॉसेज आगे बनते हैं। यहीं पर आपने फ्लेवर स्ट्रांग कर दिया तो फिर आगे वो सारे फ्लेवर जो हैं वो शोर मचाएंगे, फिर एक दूसरे का झगड़ा करेंगे। अब यहाँ पर जो है वाइट सॉस को स्लो गैस पर धीरे धीरे पकने देना बहुत ज़रूरी है। क्या है ना कि जब वो धीरे धीरे स्लो गैस पे पकेगा तो उसके अंदर की जो स्टार्च है, जो मैदा है, वो जेलेटिनाइज होगा, जेलेटिनाइज होगा तो धीरे धीरे एक बहुत खूबसूरत टेक्सचर, यानी कि एकदम मखमली टेक्सचर, और एक बहुत खूबसूरत फ्लेवर, यानी कि वो जब हम छोटे होते सेरेलैक खाते थे ना, सेरेलैक, फेरेक्स, वैसा फ्लेवर पकड़ेगा। वो फ्लेवर क्या है, वो फ्लेवर दूध और ब्रोकन डाउन स्टार्च को कंबाइन करने से आता है। देखिए क्या बढ़िया एकदम मखमली टेक्सचर देख रहे हैं आप, एक भी लंप नहीं है, चमकदार, खुशबूदार, मखमली, ब्यूटीफुल। अब इसके ऊपर डालना है ये मक्खन। मक्खन क्यों? क्योंकि ये सॉस जो है ना जब सूखेगा तो ऐसे पपड़ी बना लेगा। बस ये एक बार काम हो जाए ना तो उसके बाद फिर आप इसको चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। मतलब वाइट सॉस बना लिया, अगर आपने बटर से कवर कर दिया है और अच्छे से पकाया है उसको, तो कम से कम नहीं तो एक हफ्ते कुछ नहीं होगा फ्रिज में, मेरी गारंटी है। पास्ता उबला हुआ है, अच्छे से उसको प्लास्टिक रैप किया है, ठंडा करके फ्रिज में डाला है, तो उसको 3 दिन कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी। ठीक है, और अगर लंबे समय तक पास्ता रखना है तो पास्ता उबलते समय पानी के अंदर थोड़ा सा सिरका डाल दें, पास्ता की लाइफ और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जब तैयारी होगी उसके बाद सिर्फ डिश बनानी रह गई है जी, तो डिश में बना के आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक काम करते हैं, जैसे हम अपने खाने में ग्रेवीज की बात करते हैं ना, जो ये कॉन्टिनेंटल खाना है, इसमें सॉसेस की बात करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वाइट सॉस सिर्फ वाइट सॉस नहीं है, वाइट सॉस से क्या क्या बन सकता है उसकी बात कर लेते हैं। बेसिक सॉसेस का एक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने फ्रेंच खाने की वो कर ली, क्या बोलते हैं उसको, क्रैश कोर्स कर लिया, PhD तो नहीं कर ली, PhD को तो टाइम लगता है। मैंने कहा एक काम करता हूँ, 1 मिनट में फटाफट बेसिक सॉसेज की बात कर लेता हूँ। फ्रेंच खाने, कॉन्टिनेंटल खाने में 5 बेसिक सॉसेज होते हैं, 1 ठंडा होता है और 4 गर्म होते हैं। ठंडे वाले को बोलते हैं मेयोनेज, गर्म वाले को, सफ़ेद कलर वाले को बोलते हैं बेशमल या वाइट सॉस, उसके बाद जो उससे हल्का सा लाइट ब्राउन में होता है उसको बोलते हैं वेलूते या वेलवेटी
या लाइट ब्राउन सॉस, फिर ब्राउन सॉस या स्पन्योल, और फिर टोमेटो सॉस। ये पांच सॉस होते हैं। बेशमल जो है हमने यहाँ पर बनाया है, उसके पांच डेरिवेटिव बता देता हूँ। अगर आप उसके अंदर प्याज डाल लेंगे बॉईल करके, पीस करके, तो वो सूबीस बन जाएगा। अगर आप उसके अंदर चीज़ डाल देंगे तो वो मोरने बन जाएगा। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक ग्रेट करके डाल देंगे, पामेजान डाल देंगे, मशरूम डाल देंगे, तो वो अल्फ्रेडो बन जाएगा। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा मस्टर्ड डाल देंगे तो वो फिर मस्टर्ड बेशमल बन जाएगा। अगर आप उसके अंदर टोमेटो डाल देंगे वाइट सॉस के अंदर, तो वो ऑरोरा बन जाएगा, जिसको हम पिंक सॉस बोलते हैं ना। तो ये बेसिक पाँच सॉस के डेरिवेटिव्स, ठीक है। पाँच मदर सॉस बता दिए मैंने और पाँच वाइट सॉस के डेरिवेटिव्स बता दिए। मैंने कहा कुछ थोड़ा सा और देके जाऊँ। बस अच्छे पास्ता की पहचान है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये कि पास्ता जो है वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल सफ़ेद है तो ये समझ लीजिए कि मैदे से बना हुआ है पास्ता। कायदे से सूजी से बनना चाहिए, मैदे से नहीं बनना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप पास्ता को उबालेंगे तो पानी जो है वो क्लाउडी नहीं होना चाहिए। पानी अगर पास्ता उबालते समय क्लाउडी हो रहा है, इसका मतलब कि पास्ता अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब जो स्मार्ट लोग होते हैं हमारे जैसे, वो दो काम करते हैं। वो तुरंत के तुरंत जो सब्जी उबालनी होती है वो भी तुरंत पास्ता वाले पानी में डाल देते हैं। अब जैसे इसके अंदर अगर आप कॉर्न डालना चाहते हैं, मशरूम डालना चाहते हैं, जो कुछ भी डालना चाहते हैं आप लीजिए और काट लीजिए। पास्ता को उबालना कितनी देर है उसका आंसर हर पास्ता के पैकेट पे होता है। बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, पास्ता का पैकेट देखें और जितने मिनट लिखा है उतने मिनट पका लें। अगर कैरेट डालना है तो कैरेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि कैरेट को पकने में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए पानी में पहले कैरेट डाली। कैरेट जब भी मैं काटता हूँ ना मेरे मुंह में चली जाती है। नहीं किया ना सब्सक्राइब, पता था मुझे। कर दीजिए, बाल सफ़ेद हो गए मेरे बोल बोल के। हमने पानी के अंदर तेल डाला हुआ है, इसलिए थोड़ी क्लाउडीनेस तेल की आएगी, बट अदरवाइज पानी देखिए कितना साफ, ब्यूटिफुल। देखो ये सब्जी भी पक गई, पास्ता भी पक गया। और पास्ता कितना पकाना है, इतना ही पकाना है कि थोड़ा कच्चा रहे। ये देखिए, ये जो पास्ता है कहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है। तो जो आपको कहते हैं कि देखिए पास्ता जब निकालें तो वो चिपक जाएगा, नहीं तो उसको तुरंत के तुरंत ठंडे पानी में डालें, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर पास्ता आप समय से निकालें, थोड़ा सा कच्चा निकालें, तो अपने आप अपनी गर्मी में पकता रहेगा और चिपकेगा नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप पानी डालेंगे पास्ता में उतना उसका न्यूट्रिशन जो है वो पानी में बह जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था अगर डालना है तो थोड़ा सा ऑयल या ऑलिव ऑयल उसको गरम गरम निकालने के बाद डाल दें। तो अगर आपको लग रहा है चिपकेगा तो नहीं चिपकेगा। पास्ता पकाने के लिए हमको चाहिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बिल्कुल नहीं है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाने में बड़ा अच्छा होता है। खाने में बड़ा अच्छा होता है, पकाने में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कारण यह है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की जो खूबी है वो उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जो उसका फ्लेवर होता है वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से आता है, और वो इम्प्योरिटीज़ जैसे ही गर्म करो वो चली जाती हैं। तो एक तो आपका तेल ख़राब हो जाता है, दूसरा उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। अगर आपकी श्रद्धा कह रही है कि भाई रणवीर थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल दो, तो डाल दो। ये गया जी कॉर्न। कॉर्न क्यों? क्योंकि अगर चीज़ के साथ कॉर्न नहीं डाला तो फ़ायदा क्या हुआ। एक्चुअली गार्लिक, कॉर्न और चीज़ इज इक्वल टू मोहब्बत। अगर आपका पास्ता ठंडा हो चुका है तो पहले पास्ता डालिए और उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए सॉस डालने से पहले। और ये जो पानी साइड में पड़ा हुआ है जो मैंने नहीं फेंका था, कौन सा पानी है? ये पास्ता का पानी। सिर्फ पास्ता का पानी नहीं है, ये ऑलरेडी पास्ता और सब्जी का पानी, इसमें सब्जी का फ्लेवर है, पास्ता का फ्लेवर है, इसलिए थोड़ा सा पानी हमेशा रख लेना है, ताकि इस तरह से हम ठंडे पास्ता को उस पानी के साथ गर्म कर सकें, या अगर सॉस ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो उसको पतला कर सकते हैं। पास्ता वाटर के अंदर पास्ता का फ्लेवर है, जो गेहूं का फ्लेवर होता है ना, द वीटीनेस ऑफ पास्ता, दैट इज वाई यू ऑलवेज सेव पास्ता वाटर। ठीक है, ये गया हमारा सॉस। और अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो सॉस में कंजूसी नहीं करनी, लेकिन अगर आप ऐसा पास्ता बनाना चाहते हैं जो कि थोड़ा इंटरनेशनल स्टाइल का हो, तो सॉस में थोड़ी कंजूसी कर लीजिएगा। क्योंकि कायदे से इटली में जब पास्ता बनता है तो सॉस प्लेट में नहीं रहना चाहिए, एवरीथिंग शुड फिनिश। अब जाएगा जी इसमें चीज़, ठीक है ना। तो बेसिकली दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ठीक है। एक तो ये अपना फ्री वाला कॉम्बिनेशन जो मिलता है हर पिज्ज़ा के साथ फ्री में, है ना, ऑरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन है ग्रीन चिली और धनिया,
ठीक है। अर्ब जो है वो खुशबू के लिए और मिर्च तीखेपन के लिए। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। मोटा मोटा काटूंगा धनिया, क्योंकि बारीक बारीक काटने से उसकी बेइज्जती हो जाती है, बुरा मान जाता है। हरी मिर्च बारीक बारीक काट लूँगा। देखिए, अगर आप रंगीन मिजाज हैं, मतलब रंगों के शौकीन हैं, तो इसके अंदर आप बेल पेपर भी डाल सकते हैं, हरा वाला, है ना, तो हरा रंग आ जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि चीज़ी मतलब चीज़ी और सफ़ेद ज़्यादा दिखना चाहिए, और मज़ा आ गया। अब यहाँ पर मैंने पास्ता को ओवर कुक किया है, ठीक है, पहले ही डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ। अगर आप पास्ता को बिल्कुल इटालियन स्टाइल में खाना चाहते हैं, तो इसका 3/4 सॉस डालिए और पास्ता को इससे कम पकाइए। पास्ता में हल्की सी कसर होनी चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से क्या होगा, एक तो चमक आ जाएगी, ग्लेज आ जाएगी, दूसरा खुशबू होती है ना इटालियन खाने की, प्यारी मोहब्बत से भरी हुई, वो आ जाएगी। ओहो, लुक एट इट। पास्ता कभी भी प्लेट करना है तो ऐसे माउंट बनना चाहिए, माउंट, पहाड़ के ऊपर बंदर बैठा हुआ ऐसा लगना चाहिए, मंकी ऑन द माउंटेन। उससे क्या है, एक तो पास्ता गर्म रहता है, हीप बनी होती है ना, हीप में गर्मी रहती है। अब जो है इतनी मेहनत करी है, थोड़ा गार्लिक ब्रेडवा भी डाल देते हैं। एक नए किस्म का दिखा रहा हूँ, देखिए, बहुत सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस वाला। गार्लिक लीजिए, क्रश कर लीजिए, ठीक है। अब गार्लिक ब्रेड की तरफ आते हैं साहब। ये गार्लिक गई तेल में, और ये ब्रेड के कर लिए स्लाइस। ब्रेड को करना है टोस्ट और गार्लिक भी करनी है टोस्ट। डिफरेंट है लेकिन मज़ेदार है। जलानी नहीं है गार्लिक, टोस्ट करनी है। देखिए टोस्ट हो गई ना, ओए ओए, ये वाला पार्ट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं चिढ़ाता हूँ। क्या है ना, पैने की ट्यूब के अंदर सॉस भर जाता है, फिर जब आप खाते हैं तो ऐसे चीज़ सॉस का पटाखा फूटता है, हैं? फिर जो है मन में लालच होता है, फिर मन और खाता है। चीज़ सॉस बना रहे हैं तो पैने अंदर भर जाएगा। बाकी जब लगता है कि थोड़ा ज़्यादा पास्ता खाते खाते बोरियत हो रही है, तो गार्लिक ब्रेड लेते हैं। और चुराते हैं इसी सॉस में, मतलब वो चिकन विकन नॉन वेज वगैरह भी डाल सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि रणवीर ने बोला वेज है तो वेज ही है। ये बड़ा कमाल का।